जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमेंट्स भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो पिछले बार भर्ती आई हुई थी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स की, उसमें कितना क्या कट ऑफ जो है गया था, कितने नंबर पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस बार जो है कितनी वैकेंसी है और उस अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। 2016-17 में जो वैकेंसी आई हुई थी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स की, उस भर्ती को और 2023 की जो भर्ती आई हुई है 9212 पोस्ट पर, इस भर्ती को हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं और उनकी कट ऑफ और इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, इन्हीं टॉपिक पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2016-17 में ये वैकेंसी आई हुई थी, और देखिए 2016-17 की जो इस वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी जो है अंतर है, ठीक है। उस समय अगर हम बात करें तो जो है पोस्ट जो थी वो भी कम थी, और यहाँ पर अगर हम बात करें उस समय जो कंपटीशन था वो भी कम था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते 2016-17 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 2965 टोटल पोस्ट थी, जिसमें आप लोगों के कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स की जो है यहाँ पर पद रखे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर इस बार जो वैकेंसी है वो आप लोगों की 9212 लगभग यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहने वाली है। देखिए तो सबसे पहले हम कट ऑफ को देखते हैं कि उस समय जो है कट ऑफ कितना क्या यहाँ पर गया हुआ था। तो ये पीडीएफ आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए ये यहाँ पर ये 2016 और 2017 का पीडीएफ है, ठीक है। इसमें एक स्टेट की कट ऑफ है, मध्य प्रदेश की कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर लगभग जो है सिमिलर कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली। तो देखिए हम डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस कट ऑफ को देख के जो है हमको पता चल जाएगा कि इस बार कितना क्या सेव स्कोर जो है जा सकता है। वहाँ पर अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो कि ड्राइवर जो सिटी ड्राइवर पोस्ट थी जनरल के लिए हाईएस्ट जो नंबर है वो 75 नंबर पर जो है फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पर आ गई थी। जी हाँ, 75 नंबर पर जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर फर्स्ट रैंक यहाँ पर आप लेके आ चुके थे। और इनका अगर हम नाम बताते हैं, ठीक है, तो ये राजदीप सिंह जो है ये थे, और इनका जो है 75 नंबर पे फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पर सिटी ड्राइवर के लिए आ गई थी। अब अगर हम बात करते हैं फिटर ट्रेड की, जो पोस्ट का जो सबसे कम नंबर था वो था सिर्फ़ और सिर्फ 48। जी हाँ, 48 नंबर पर जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था फिटर ट्रेड के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं बाकी ट्रेड्स के लिए तो यहाँ पर 50 से लेकर 60 नंबर के बीच जितने भी ट्रेड है आप लोगों के, 50 से लेकर 60 नंबर के बीच जो है आप लोगों का सारे जितने भी ट्रेड है, जैसे केबलर है, ठीक है, माली है, पेंटर है, कारपेंटर है, जितने भी ट्रेड है इनमें जो है आप लोगों का 50 के अंदर में जो है यहाँ पर उस समय सिलेक्शन हो गया था। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय की अपेक्षा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बाद जो है यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है जो कि ट्रेड के अनुसार जो वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फाइनल जो सिलेक्शन ड्राइवर पोस्ट के लिए हुआ था वो 75 नंबर पर यहाँ पर हुआ था, और जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है, जो ट्रेड वाले जो है, जैसे कबलर है, पेंटर है, कारपेंटर है, ठीक है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, इनमें जो है आप लोगों को 50 से लेकर 60 नंबर के बीच जो है यहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन है वो हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए उस समय वैकेंसी भी कम थी और काफ़ी कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार आप लोगों को कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 2023, ठीक है, 2023 की जो ये भर्ती आई हुई है इसमें कितना क्या कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए इस भर्ती में अगर हम बात करें टोटल जो पोस्ट है वो 9212 टोटल पोस्ट है मेल और फीमेल मिलाकर। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए, यहाँ पर आप लोगों का जो है ये वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर चलने वाला है, और ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट इसमें फॉर्म आप लोगों को फिल करेंगे, तो जो कंपटीशन है वो भी ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए 9212 टोटल पदों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो समय है, लगभग आपका 1 से लेकर 13 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होने वाली है, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा समय इस बार दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, अगर आप जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 75 से लेकर 80 नंबर आप लोगों को लाने होंगे। जी हाँ, अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 75 नंबर से लेकर 80 नंबर आप लोगों को लाने होंगे, तब फाइनल सिलेक्शन के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं, इतने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है, ठीक है, ट्रेडमैन्स की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप 60 प्लस भी लेकर आते हैं, ठीक है, ट्रेडमेंट्स में किसी भी ट्रेड से, है ना, किसी भी ट्रेड से अगर आप 60 प्लस लेके आ जाते तो आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन है वो इतने नंबर पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, इसलिए जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का जो है फिजिकल होता है, फिजिकल में आप लोगों को 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का समय, ये काफ़ी हार्ड लेवल है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो है ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है नहीं रह पाते, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 75 नंबर मिनिमम और 80 नंबर तक यहाँ पर आपको लेके आने होंगे। वहीं अगर आप ट्रेडमैन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निकल के लिए कर रहे थे, यहां पर आप लोगों को 60 नंबर प्लस जो है लाने होंगे, ये आप लोगों के मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए यहां से -5 नंबर आप जो है कर सकते हैं, इसके आजू बाजू ही आप लोगों की भी कट ऑफ जो है रहने वाली है, क्योंकि यहां पर काफी कम वैकेंसी फीमेल्स के लिए यहां पर दी गई है। ठीक है, तो ये था पूरा कट ऑफ का एनालिसिस, आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस देखने को मिलेगा। आप अपने स्टेट्स की वैकेंसी देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी वैकेंसी में कितना क्या कंपटीशन आपको करना होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।